नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जिंगवाल। ये है छोलिया नृत्य, जो उत्तराखंड का लोक नृत्य होता है। ये है राकेश कनवाल जी, जो कि उत्तराखंड के सुपरस्टार गायक हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जिंगवाल नंदन कानन होमस्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होमस्टे में। तो आज जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का मेला महोत्सव चल रहा है नत्वाखंड में, उसका तृतीय दिवस है और तृतीय दिवस को अटेंड करने के लिए हम लोग जा रहे हैं अपने घर से। तो अभी करीब 12 बज रहे हैं और मेला जस्ट प्रारंभ हो रहा होगा, तो हम भी यहाँ से निकल रहे हैं, तो करीब 15 से 20 मिनट लगेंगे हमें पहुँचने में। तो चलिए चलते हैं आज तृतीय दिवस के सफ़र में, और बहुत ही सुंदर और लोक प्रसिद्ध लोक गायक कलाकार आज आने वाले हैं, तो आपको भी रूबरू कराएंगे उनसे, और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे वो भी आपको दिखाए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपका आज का अपना ब्लॉग। चलिए चलते हैं नत्वाखंड के श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के सफर में। तो हम लोग निकल चुके हैं अपने घर से, आज बाइक से हम लोग जा रहे हैं, और रोड की कंडीशन देख सकते हो, सुबह बारिश हुई थी तो जगह जगह पानी भरा हुआ है। तो यहाँ से करीब 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है और करीब 20 से 25 मिनट लगेंगे, क्योंकि रोड थोड़ा सा ख़राब है इस पैच में, तो ये सेक्शन जो है थोड़ा सा दिक्कत करता है। और बाकी देख सकते हैं कितने सुंदर नज़ारे आ रहे हैं, ये हरियाली भरा नज़ारा है हमारे सफ़र में। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं नत्वाखंड मार्केट में, और यहाँ पे देख सकते हैं छोलिया लोग जो हैं, जितने भी आगंतुक हैं, उन सभी का स्वागत करने के लिए आए हुए हैं। तो ये हमारे उत्तराखंड का पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र हैं और वाद्य नृत्य यहाँ पे कर रहे हैं। ये है छोलिया नृत्य, जो उत्तराखंड का लोक नृत्य होता है, और सारे पारंपरिक पहनावों के साथ आप देख सकते हैं इनको। ये है मसकदीन, बैक पाइपर इसे बोलते हैं, और ये उत्तराखंड का प्रसिद्ध ढोल धमाऊं, और ये तलवार और ढाल लेकर के छोलिया नृत्य यहाँ पे चल रहा है। तो ये हमारे उत्तराखंड की संस्कृति की पहचान है, जो अभी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं मेले में इसका स्वरूप देखने को मिल रहा है, और बहुत सारे लोग यहाँ पे देखने के लिए भी खड़े हैं मार्केट में। तो हम लोग पहुंच चुके हैं पंडाल के पास में, जहां पे मेला लग रहा है, और यहीं पे बहुत सारी स्टॉल लगी हुई हैं। तो मेला जब भी लगता है तो उसमें इस तरह से बहुत सारी स्टॉल लगती हैं, जहां पे काफ़ी सारा आइटम बहुत सस्ते में मिल जाता है। तो इधर भी यहां पे बहुत सारी स्टॉल्स लगी हुई हैं, तो जब तक मेला रहेगा तब तक ये सारे सामान यहाँ पर बिकते रहेंगे, और लोग भी यहाँ पर बड़े उत्सुक होकर के सारी चीज़ों की ख़रीदारी करते हैं। तो ये देखिए बहुत सारी स्टॉल्स यहाँ लगी हुई हैं, और कपड़े से लेकर के प्लास्टिक मटेरियल से लेकर के किचन से लेकर के हर तरह का सामान यहाँ पे मिल रहा है, आप देख सकते हैं। इवन शूज़ भी यहाँ पे हैं, और चप्पल वगैरह ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे मिल रही हैं, और खेल खिलौने के सामान भी यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए ये महिलाओं के सामान भी इधर मिल रहे हैं। तो अभी कुछ ही क्षणों में मेला स्टार्ट होने वाला है, तो चलिए पंडाल की तरफ चलते हैं और आपको भी ले चलते हैं तृतीय दिवस के मेले में।
तो ये है पंडाल जहाँ पे कार्यक्रम हो रहे हैं। तो अभी हम लोग आज थोड़ा जल्दी आ गए, कल हम लेट हो गए थे, तो कार्यक्रम शुरू होने वाला है तो लोग भी धीरे धीरे आ रहे हैं, और जैसे जैसे लोग आते जाएंगे तो पंडाल पूरा भर जाएगा। तो बहुत सुंदर तरीके से इसको सजाया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं इस पंडाल को। आज के कार्यक्रम तृतीय दिवस के कार्यक्रम है और बहुत ही सुंदर और रोमांचक कार्यक्रम होगा और काफी सारे कलाकार आज आए हुए बाहर से। ये कार्यक्रम शुरू होने वाले हैं, सभी को मेरा प्यार नमस्कार। चलिए हमारे आज के इस मेरी सखी मंगल गौरी, मेरी सखी मंगल गौरी, हर उतरेगी आज मेरे पीछे सवारी, उतरेगी आज मेरे पीछे सवारी। मेरी कोई काजल लाओरी, तोहे काला टीका लगाओरी, मेरी कोई काजल लाओरी, तोहे काला टीका Hey, hey, hey.
और अब यहाँ गांव की सारी महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं इकट्ठी होकर उन सबको मंच में बुलाया गया है और ये अपना मिल करके यहाँ पे झोड़ा गायन कर रहे हैं, पारंपरिक झोड़ा गायन। और देख सकते हैं कितने सुंदर तरीके से यहाँ पे ये गायन कर रहे हैं, कदम से कदम मिला करके। तो अब भी आनंद लीजिए कुमाऊनी पारंपरिक झोड़े का। तालियां आपके लिए और स्वागत और अभिनंदन है महोदय आपका, और बहुत बहुत आभार इस मेले में किसान आपकी दल के साथ यहाँ पहुँचने के लिए। अब मैं तो ये हैं पुष्कर मेहर जी, जो कि उत्तराखंड के लोक प्रसिद्ध गायक हैं और आज हमारे सामने, आप सबके सामने प्रस्तुति देंगे अपने पूरे सांस्कृतिक दल के साथ में आए हुए हैं। तो अभी उनका स्वागत किया जा रहा है समिति के अध्यक्ष जी के द्वारा। पुष्कर मेहर जी को बैच अलंकार कर सम्मानित किया जा रहा है और आज मैं बता दूं कि पुष्कर मेहर कैसे रही, उसके बाद आपका फेम बॉर्डर ऑफ फेम और जो भी आप चाहेंगे। राकेश परिवार जी उत्तराखंड के सुपर स्टार बन चुके हैं, आपने यूट्यूब के माध्यम से भी देख लिया होगा, आपके अन्य चैनल जो भी चल रहे हैं उसमें आप प्रदेश के साथ साथ इस देश के विभिन्न राज्यों में अपना कार्यक्रम अपनी प्रस्तुति पेश कर रहे हैं। तो आज स्वागत है आपका इस मंच से, जोरदार तालियां और हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और हमारे प्रधान जी नंद प्रधान जी से मेरा अनुरोध रहेगा कि राकेश खनवाल जी को बैच अलंकरण का उनका स्वागत एवं अभिनंदन करने वापस करेंगे। ये हैं राकेश खनवाल जी, जो कि उत्तराखंड के सुपरस्टार गायक हैं, तो आज वो हमारे साथ में हैं और प्रस्तुति देंगे, आज उनकी पूरी टीम यहाँ पर रहेगी। तो चलिए आगे एंजॉय कीजिएगा। आभार व्यक्त करता हूँ। किसी काम को शुरू करने से पहले अपने इष्ट देवी देवताओं को याद किया जाता है, तो मान एना लोक सांस्कृतिक कला समिति पुष्कर महाराण पार्टी के द्वारा सबसे पहले मैं आप लोगों के बीच में एक माँ नंदा सुनंदा जिसके नाम से मेरी टीम है, एक सुंदर सी वंदना आप लोगों के बीच में। उसके बाद लगातार कार्यक्रमों की झड़ी, क्योंकि उत्तराखंड सुपरस्टार छोटा भाई राकेश खनवाल भी यहाँ पर है, बहुत ही बेहतरीन गाने। Thank you.
जो पुष्कर जी टीम में है और आज आप सब लोगों के बीच में है कि आज इस मंच पे आप आए और इस मंच को सुशोभित किया। लगातार आप सामाजिक कार्यों में हमारे साथ जुड़ी रही है और हर वर्ष इस मेले में भी आप लोगों का विशेष सहयोग रहता है। अब मैं संगीता मिश्र नेतृत्व प्रधान जी को काला जी की दुशाला पहना कर सम्मानित करेंगी। आप सभी माता शक्ति के लिए जोरदार तालियां और भविष्य में भी आप हमारे साथ ही जुड़े रहेंगी। पुष्कर मेहर जी बहुत सुंदर झांकियों के लिए प्रसिद्ध हैं तो उनकी टीम इस बार बहुत ही सुंदर झांकियां लेके आई हैं और बहुत सारी झांकियां इसमें आगे भी देखने को मिलेंगी। तो ये पहली झांकी उनके द्वारा दिखाई जा रही है जिसमें हनुमान जी को वो दिखा रहे हैं और हनुमान जी पब्लिक के बीच में से पीछे देख सकते हैं, वहां से होते हुए आ रहे हैं और सीधे बढ़ रहे हैं आगे मंच की तरफ। चले आपको भी दिखाता हूँ, वो देख सकते हैं पीछे हनुमान जी। मैं एक बार जूम करके आपको दिखाता हूँ, हनुमान जी के दर्शन कराते हैं। ये देख सकते हैं हमारे बीच में हनुमान बजरंगबली जी आ चुके हैं तो ये बहुत सुंदर प्रस्तुति है। इसके द्वारा देख सकते हैं हनुमान जी पीछे से पब्लिक के बीच से होते हुए मंच की तरफ बढ़ रहे हैं और बिल्कुल एकदम जैसे हनुमान जी होते हैं वास्तव में वही रूप यहाँ पर बन करके हनुमान जी के यहाँ पर दर्शन। और अब हमारे सामने आ चुके हैं राकेश खनवाल जी जो कि उत्तराखंड के लोग प्रसिद्ध स्टार गायक हैं और अपनी प्रस्तुति लेकर के आ रहे हैं तो बहुत ही विख्यात हैं हमारे उत्तराखंड में। तो चलिए उनकी प्रस्तुति सुनते हैं, तो आप लोग भी बने रहिए साथ में और आनंद लीजिए राकेश खनवाल जी की प्रस्तुति का।
I'm
सभी लोग पीछे से भी जितने भी लोग बैठे हुए सभी लोग दोनों हाथ करके हमेशा
और अब हमारे बीच में आ चुके हैं पुष्कर मेहर जी अपनी पूरी टीम के साथ में और अपनी सुंदर सुंदर भव्य प्रस्तुतियां लेकर के। चलिए आनंद लेते हैं उनकी सुंदर भव्य प्रस्तुतियों का। तो लीजिए आपको लिए चलते हैं हमारे उत्तराखंड के सुपर जम्मा प्रिय छपेली नृत्य के नाम से जाना जाता है छपेली की ओर। और उसके बाद लिए चलेंगे आपको शिव पार्वती विवाह तुरंत बाद। और एक से एक कार्यक्रम आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेके आया हूँ और आपका साथ मुझे जितने बजे तक आप बैठेंगे उतने बजे तक मैं कार्यक्रम करूँगा, ये मेरा वादा है। और एक से एक कार्यक्रम करूँगा।
हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर आप सभी के बीच और आज के हमारे अतिथिगण, मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, जितने भी दूर दूर से आए हुए हैं सभी अतिथिगणों का मैं बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो आइए आप लोगों के बीच एक सुंदर सा गीत पेश आओ। कौन सा गीत सुनेंगे, क्रीम पाउडरा, हिमोली या और गीत कोई ले? सारे सारे हिमोली क्रीम पाउडरा। अच्छा डांस कर ला पक्क, चल गान ठीक सुन। आप लोग तालियों के साथ प्यारे प्यारे ठुमक भी लगा देते तो और भी इस प्रोग्राम में चार चांद लग जाते। तो ये बताओ डांस करने का कौन कौन तैयार है? हाथ खड़ा करा दे एक बार, तीन चार पाँच छह। अच्छा गर्भवती कसम खा भी रहा था जो हाथ खड़ा नहीं करना या डर से न लागने। अरे हिमोली होलदार की चली हिमोली, हिमोली हाथ लगरी चंगला। हिमोली होलदार की चली हिमोली, हिमोली हाथ लगरी चंगला। दान सिंहा गाड़ी चली चली घूरा घूरा, दान सिंहा नैनी तल की चंगला। दान सिंहा गाड़ी चली चली घूरा घूरा, दान सिंहा नैनी तल की चंगला। ये वो दरी हमारा दरी दान सिंह क्या तू खा रे क्या मैं बोलूं।
शर्मा जाएंगे, डांस ही नहीं करेंगे। अगल का जो फ्रेंड्स वो अपने आप खड़े हो जाएंगे, देखना आमा के लिए। अब दादू ले की धारू हक में के खारा, अरे वलिया गए सरु गंगा तो पली पनारा, अरे कावटी तू छुटिया छे, अरे कावटी तू छुटिया छे मेरी आमा, तू तैसी माया दारे। पूरे हाथ खाल कर में, जब तक डालिया नहीं बजाओगे गाँव में नहीं, यहाँ से आओ देना हाथ खड़े करके मेरे साथ। तैसी माया दारे माया Oh,
भूलो अनिवार्य आमा रे सौभाग्य भूलो अनिवार्य आमा रे सौभाग्य तेरी जैसी पानी पीसा मेरे आमा तेरी जैसी पानी पीसा अरे उसी मेरी माया माया रे अगल बगल वाला कसम दुजन जेल त्योहार ठान कर त्योहार ठान कर आइए मैं तो तीसरे दिवस के कार्यक्रम को मैं दो पार्ट में आपको दिखाऊंगा। आज के इस कार्यक्रम को यहीं तक और अगला कार्यक्रम जो कल आगे का जो हिस्सा है वो आपको दूसरे पार्ट में दिखाऊंगा। तो क्योंकि बहुत वीडियो लंबी हो जा रही है, लेंथी हो जा रही है, क्योंकि कार्यक्रम इतने सुंदर और आकर्षक हैं, इनको छोड़ना, मिस करना, बिल्कुल भी स्किप करना अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमने प्रत्यक्ष देखा वो आप भी सब देख पाएं, तो इसलिए मैं पूरे प्रोग्राम को आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होता है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो आगे के जो पार्ट है इसका, उसमें बहुत ही रोमांचक और बहुत ही इंटरेस्टिंग आकर्षक झांकियां और प्रस्तुतियां हैं, तो वो देखना मत भूलिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टॉप करते हैं, तो मिलते हैं नए ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।